ऑटोकैड सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि ऑटोकैड में एट्रीब्यूट ब्लॉक्स किस तरह से बनाए जाते हैं और उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, मेरे पास ये एक शीट है, तो उसके अंदर कुछ ब्लॉक्स ऐसे डाले हुए हैं, वो एट्रीब्यूट ब्लॉक्स है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये ब्लॉक्स है, तो अगर समझिए मेरा ये फुटिंग चेंज हो रहा है, तो इस जगह पे आपको वो एडिट करना है, तो ये ब्लॉक के ज़रिए आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा ब्लॉक है, ये देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं इस ब्लॉक को एडिट डबल क्लिक करता हूँ तो इस तरह से वो एडिट होता है। तो उसको आप इस तरह से देखिए चेंज कर सकते हैं। उसी तरह कोई भी आपका नाम रहेगा फुटिंग का, पाइल कैप का, कॉलम का, वो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका यूज़ होता है एट्रीब्यूट ब्लॉक का। तो देखते हैं एट्रीब्यूट ब्लॉक किस तरह से बनाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एट्रीब्यूट ब्लॉक बनाने के लिए आपको उसके सिंबल और उसके एट्रीब्यूट टेक्स्ट का होना ज़रूरी है। जैसे कि देखिए, ये जो है मेरा सेक्शन मार्क है, तो उसका मैंने सेक्शन मार्क ये ड्रॉ किया है, और उसके बाजू में ये मेरा एट्रीब्यूट टेक्स्ट है। ये देखिए, एट्रीब्यूट टेक्स्ट इस तरह से होता है। उसी तरह ये एक मेरा सेक्शन मार्क है दूसरी तरह का, ये देखिए इस प्लान में वगैरह जो मार्क करते, वो इस तरह से मैंने ड्रॉ किया है, और उसके अंदर एट्रीब्यूट टेक्स्ट डाला है। जैसे कि ये नंबर है, और इधर आप ड्राइंग नंबर डाल सकते हैं। और उसी तरह ये फुटिंग मार्क है, तो ऊपर के साइड में आप फुटिंग मार्क या कॉलम नंबर वगैरह दे सकते हैं। तो इस तरह से ड्रॉ किया है। उसी तरह ये मेरा सेक्शन मार्क है, उसमें ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट है, ये एट्रीब्यूट टेक्स्ट है, ये एट्रीब्यूट और ये एट्रीब्यूट टेक्स्ट है। क्योंकि ये स्केल आपको कभी मेंशन करना होता है, तो एट्रीब्यूट टेक्स्ट में देख के आप चेंज कर सकते हैं। उसी तरह ये है। तो देखते हैं इसको किस तरह से ब्लॉक किया जाता है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको कमांड लेना होगा, ब्लॉक कमांड। तो उसके लिए मैं बी इंटर करता हूँ, और ब्लॉक और एट्रीब्यूट टेक्स्ट बनाने से पहले आपका जो फाइल है उसका आप यूनिट चेक कीजिए। तो उसका यूनिट आपका ये देखिए, इधर यूनिटलेस होना ज़रूरी है, तो ये आप ध्यान में रखिए। और जो भी एट्रीब्यूट टेक्स के ज़रिए आप जो भी ब्लॉक बना रहे, वो 1:1 में होना चाहिए। जैसे कि ये टेक्स मेरा 4 mm में, और ये उसके हिसाब से सेक्शन मार्क है। और ये देखिए, ये ब्लॉक का मेरा जो टेक्स है वो 4 mm है, और नीचे वाला 2.5 है, और इसी तरह इसका ये 2.5 वाला है, और उसके हिसाब से 1:1 में ये ब्लॉक है। तो दोस्तों, देखते हैं एट्रीब्यूट ब्लॉक किस तरह से बनाए जाते हैं। तो ब्लॉक बनाने से पहले आप ये ध्यान लगे कि आपका जो लेयर है वो 0 लेयर होना चाहिए, और आपका यूनिट एक बार चेक कीजिए, तो यूनिट आपका यूनिटलेस होना चाहिए। तो उसके बाद आप कमांड लीजिए, ब्लॉक कमांड। उसके बाद आपको ब्लॉक का नाम देना है। जैसे कि ये मेरा सेक्शन मार्क है, तो मैं इसको नाम देता हूँ सेक्शन, शॉर्ट में देता हूँ, और पिक पॉइंट लेता हूँ। देखिए, मैं इधर पिक पॉइंट ले रहा हूँ ये। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है। देखिए, सिलेक्ट करने के टाइम पे आपके ब्लॉक में ये जो ब्लॉक है उसके अंदर एक ही टेक्स्ट है, तो डायरेक्टली आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओके करना है। तो इसके बाद आपका ब्लॉक जनरेट होने के बाद ये देखिए, इस तरह से एट्रीब्यूट टेक्स्ट एडिट हो जाएगा। तो वो आपको फिल करना है। जैसे कि मैं इधर ए देता हूँ, सेक्शन मार्क ए, और ओके करता हूँ। तो देखिए, इस तरह से वो आ जाएगा। उसके बाद ये दूसरा ब्लॉक है, उसे देखते कैसे करेंगे हम। तो कमांड लूँगा मैं बी फॉर ब्लॉक, इंटर। उसके बाद ब्लॉक को मैं नाम देता हूँ, तो ये सेक्शन मार्क है, तो मैं इसको 2 देता हूँ, सेक्शन मार्क 2। तो पिक पॉइंट लिया मैंने, और ये पिक पॉइंट दिया। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट देने के लिए आप सबसे पहले ब्लॉक को इस तरह से देखिए सिलेक्ट कीजिए, आपका टेक्स सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, ये ब्लॉक में 2 टेक्स आने वाले हैं, ऊपर वाला टेक्स और नीचे वाला टेक्स। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको पहला टेक्स कौन सा एडिट होना है। तो ऊपर वाला अगर आपको एडिट फर्स्ट चाहिए, तो उसको आपको सिलेक्ट करना होगा, बाद में नीचे वाले टेक्स को एडिट करना होगा। क्योंकि एट्रीब्यूट टेक्स ब्लॉक होने के बाद जब भी आपका ब्लॉक हो जाएगा, या आप जब भी ब्लॉक एडिट करेंगे, तो आपका ऊपर वाला अगर फर्स्ट सिलेक्शन, आप इस तरह से देखिए, मैं पहला सिलेक्शन ये देता हूँ, उसके बाद ये दूसरा देता हूँ। तो इससे क्या होगा, आपका जब भी ब्लॉक आप एडिट करेंगे, तो पहला सिलेक्शन फर्स्ट सिलेक्शन ये होगा, तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड इसको एडिट कर सकते हैं। तो देखिए, इसी के हिसाब से मैंने सिलेक्ट किया, ये फर्स्ट किया और ये सेकेंड किया, और अब मैं इंटर करता हूँ। उसके बाद ओके करना है।
तो देखिए ये उसी के हिसाब से अभी पूछ रहा है। देखिए जो पहला है वन है जिसको मैंने फर्स्ट सिलेक्शन किया था, और दूसरा एक्स है तो उसको मैंने सेकंड किया था, तो उसमें मैं ए देता हूँ और इधर डैश देता हूँ, ये देखिए इस तरह से, और ओके करता हूँ। तो देखिए इस तरह से ये चेंज हो गया। तो दोस्तों देखिए मैं अब इसको ब्लॉक करता हूँ, तो ये मेरा एक फुटिंग का मार्क है, जैसे कि फुटिंग फुटिंग नंबरिंग के लिए इसको यूज़ होता है। तो इसको हम किस तरह से ब्लॉक करेंगे, तो मैं कमांड लूँगा बी इंटर, उसके बाद इसको नाम देता हूँ, ये देखिए फुटिंग एम के डी फुटिंग मार्क। उसके बाद पिक पॉइंट लेता हूँ मैं, तो इस तरह से पिक पॉइंट लिया, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद ये मुझे फर्स्ट चाहिए तो मैं इसको फर्स्ट सिलेक्शन करता हूँ, इसको सेकेंड करता हूँ और इंटर करता हूँ। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा, ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह इसको करना है तो किस तरह करेंगे, इसके लिए मैं कमांड लूँगा बी इंटर ब्लॉक, उसके बाद मैं नाम लूँगा, जैसे कि सेक्शन मार्क है तो मैं इसको नाम देता हूँ सेक्शन मार्क डैश 3 देता हूँ मैं। उसके बाद पिक पॉइंट लेता हूँ, तो मैंने पिक पॉइंट ये लिया। उसके बाद सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन कमांड लिया मैंने, उसके बाद ये देखिए इस ब्लॉक को इस तरह से सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये देखिए ये जो टेक्स है वो मेरा सिंगल टेक्स है, तो वो मुझे एडिट नहीं करना है इसलिए मैंने सिंगल टेक्स लिया है, तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो बाकी तीन बचे हुए हैं वो एट्रीब्यूट टेक्स है जो एडिट होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको पहला टेक्स कौन सा एडिट करना है उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है। तो मुझे ए पहला टेक्स एडिट चाहिए, उसके बाद ये ड्राइंग एडिट चाहिए, उसके बाद स्केल एडिट चाहिए। तो उसके हिसाब से मैंने सिलेक्शन किया, पहला ए किया, उसके बाद डी डब्ल्यू जी किया, उसके बाद स्केल किया, उसके बाद आपको इंटर करना है और ओके करना है। तो देखिए उसी के हिसाब से ये पूछ रहा है, जो पहला ए था तो मैंने ए किया, तो उसको मैं अभी सी करता हूँ और इंटर करता हूँ, उसके बाद मैं डैश करता हूँ नंबर के लिए, इंटर करता हूँ, ये देखिए। उसके बाद स्केल की जगह पे मैं 1:50 देता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये देखिए ये उसके हिसाब से चेंज हो गया। उसी तरह ये एक प्लान में यूज़ होने वाला एक ब्लॉक है, प्लान के लिए प्लान एलिवेशन जो देते हैं उसमें यूज़ होता है, तो उसको किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए मैं कमांड लूँगा बी फोर ब्लॉक इंटर, और मैं नाम देता हूँ प्लान एम के डी, उसके बाद पिक पॉइंट लेता हूँ मैं, इस तरह से पिक पॉइंट लिया, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं इस ब्लॉक को इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद एलिवेशन वाला जो है टेक्स्ट उसे मुझे फर्स्ट चाहिए तो उसको फर्स्ट सिलेक्शन करता हूँ, उसके बाद जो FFL लिखा हुआ है इसको मैं सेकंड सिलेक्शन करता हूँ और इंटर करता हूँ और ओके करता हूँ। तो देखिए वो उसी के हिसाब से पूछ रहा है, तो मैं उसको एडिट करके आपको बताता हूँ। ये देखिए 3 मीटर, और FFL की जगह पे मैं TOS देता हूँ, TOS जैसे कि स्टील में यूज़ करते हैं, ओके करता हूँ। देखिए तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों देखिए ब्लॉक में एट्रीब्यूट टेक्स्ट का इस्तेमाल करके ब्लॉक को ब्लॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है, और उसी ब्लॉक को फिर डबल क्लिक करके उस टेक्स्ट को एडिट करते हैं। तो इस तरह से ब्लॉक में एट्रीब्यूट टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है। तो आप भी इस तरह के ब्लॉक आपकी ज़रूरत के हिसाब से बना के देखिए, और हमारे आगे के वीडियो देखना ना भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।